अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हसान खालिद और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिकी हसान लोग। तो मेरी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि ये जो हम 3D जो है वो फोटो जो है अपना लोगो वो किस तरह 3D मूवमेंट उसको दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा मूवमेंट हो रही है, 3D मूवमेंट हो रही है मेरे लोगों की, ये हम किस तरह कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो का ये टॉपिक होगा। तो बहुत ईजी तरीके से मैं आपको काइन मास्क के जरिए सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर अच्छी लगे तो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन से हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, काइन मास्क डाउनलोड कर लेना है। आप प्ले स्टोर से जो है इसको ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करके आपने ओपन करना है, तो ओपन करके प्लस का निशान आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और जो आपने प्रोजेक्ट है ना वो आपने लेना है, ठीक है। वन बाय वन का प्रोजेक्ट लेना है। आपने क्या करना है, उसमें आपने एक बैकग्राउंड ले लेना है, सिंपल सा बैकग्राउंड लिया। इसका आप जो भी कलर रखना चाहते हैं, मैं इसका रख लेता हूँ रेड रख लेता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अब लेयर लूंगा। यहाँ आप ऐसा करें, इसको सिलेक्ट करके ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट एज लेयर आ जाएगा। आप इसका रंग जो है वो चेंज कर लें। अब जैसे मैं रख लेता हूँ एक ब्राउन रख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको इस तरह कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉप कर लूंगा, क्रॉप किया यहाँ तक मैंने क्रॉप कर लिया, ये इतना कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इतना क्रॉप कर लिया। तो मैं फिर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फिर इसकी डुप्लीकेट लूंगा, डुप्लीकेट लेके नीचे ले आऊंगा यहाँ तक, और इसको मैं क्रॉप कर दूंगा। ये इस तरह हो गया। अब इसका कलर जो है मैं वो चेंज कर लेता हूँ, इसका मैं ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं ब्लू कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने टाइप करना है, टाइप करूंगा, टेस्ट करूंगा। अब मेरे जो चैनल का नाम है ट्रिकी हसान, इसमें ट्रिकी हसान, इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ, नोटा सेरिफ बोल्ड कर लेता हूँ मैं, ट्रिकी हसान हो गया। अब इसकी मैं कॉपी करता हूँ डुप्लीकेट, अब यहाँ से चेंज करता हूँ, आगे आएगा व्लॉग व्लॉग। अब ये जो है मैं यहाँ पे ले आऊंगा, अगर मैं इसको कर दूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसके यानी कि कोई देता हूँ आउटलाइन भी देता हूँ, आउटलाइन देता हूँ, इसको ब्लैक दे देता हूँ, और ये जो इसको है इसको मैं दे देता हूँ, इसको मैं रेड कलर की दे देता हूँ, ठीक है। ये बन गया। अब आपने इसका क्या कर लेना, आपने इसका एक ले लेना, कैप्चर कर लेना और इसको सेव कर लेना। मैंने यहाँ से कैप्चर किया और इसको सेव कर लिया। बैक जाएंगे, बैक जाके अब नया प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है। वो आप तो यहाँ से कोई भी ले ले, ठीक है। मैं ये ले लेता हूँ 69:9 का। यहाँ से इसका मैं कलर चेंज कर लूंगा, इसका ग्रीन स्क्रीन कर लूंगा, ये मैंने ग्रीन स्क्रीन कलर कर लिया इसका। अब इसका भी मैं स्क्रीन शो स्क्रीन ले लूंगा, यानी कि कैप्चर ले लूंगा। अब कैप्चर कर लिया। अब आपने करना क्या है, आपको एक ऐप है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐप है, इसका नाम है 3D फोटो, ठीक है। आपने ये प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ये प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये देखेंगे, ये आप 3D फोटो यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये आप 3D फोटो क्यूब लाइव, तो आप पहले वाले को डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करता हूँ तो यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट। अब वो मुझे कहता है कि सिलेक्ट बैकग्राउंड से पहले मैं सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में वो मुझे पूछ रहा है कि क्यूब साइज मीडियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्यूब रोटेटेड जो है ना वो यहाँ पे फ्री होगा, आपने स्पिन पे कर लेना, यहाँ पे फ्री होगा आपने स्पिन पे कर लेना, और नीचे ये यस पे होगा आपने नो कर लेना, ठीक है। ये वॉलपेपर आपने सेट कर लिया, सर ये पहले मैंने, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने क्या करना, सिलेक्ट बैकग्राउंड करना है, ये देखिए ये मैंने पहले लिया हुआ था, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ और ये सिलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको
जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा हमारे पास, डू यू वांट टू सिलेक्ट दिस बैकग्राउंड, यस आपने ओके कर देना। ठीक है, आपने बैक जाना है, चेंज फोटो जाना है, चेंज फोटो पे जाएंगे आप। अब चेंज फोटो में ये मैंने पहले बनाए थे, तो ठीक है मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, इस पे सिलेक्ट करना है। तो अब ये मैंने जो नया बनाया है इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको फुल कर लूंगा, यहाँ पे ये हो गया। अब हर 6 के 6 जो होंगे ना, हमने 6 की 6 साइड पे आपने यही सिलेक्ट कर लेना है इसको। ये मैं 6 की 6 जगह पर ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये चौथे नंबर पे भी और ये पांचवें पे भी। और ये छठे पे भी, लास्ट पे भी यही, यानी कि क्योंकि हमारा लोगो तो सेम होगा ना, तो हमने ये सब पे ये कर लिया। अब आपने क्या करना है, बैक जाएंगे आप, अब आपने सेट वॉलपेपर पे जाना। सेट वॉल ये देखेंगे आपको किस तरह 3D मूवमेंट में आपको ये वॉलपेपर मिल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी वीडियो बना लेनी है तकरीबन 10 से 12 सेकंड की, आपने जितनी बनानी है आप बना ले, मगर मैं मिनिमम जो है ना 10 सेकंड, मैक्सिमम कोई 15 सेकंड तक इसकी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपने कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर लेना है, उसके जरिए आपने कर लेनी है। तो ये ठीक है, ये 10 से 12 सेकंड की जो वीडियो है इसकी आपने बना लेनी है, ये 10 से 12 सेकंड की हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है अब मैं काइन मास्टर ओपन करूंगा। ठीक है, अब मैंने काइन मास्टर ओपन करना है, मैंने काइन मास्टर ओपन कर लिया। अब प्लस पे जाएंगे, अब आपने ये जो भी आपने वीडियो बनानी है वो आपने, यानी कि जिस फॉर्मेट में आपने लेना है वो आप बना सकते हैं। तो मैं 16:9, क्योंकि ये यूट्यूब के लिए जो कस्टम होता है, तो मैं ये ले रहा हूँ ये साइज। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मीडिया सिलेक्ट करूंगा, कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर, मैंने ये वीडियो ले लिया। ठीक है, तो मैं इसका जो है वो साउंड 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ वो जो मैंने वीडियो आपको कहा था 10 से 12 सेकंड की। ठीक है, ये मैंने ली, इसको मैं करता हूँ क्रॉप कर लेता हूँ, मैं इधर ले आता हूँ। यहाँ पे इसको मैं जो दरमियान में है ना, इसको इसको लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल 3D है। अब ये देखें, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है, क्रोमा की पे जाएंगे, क्रोमा की करेंगे हम ओपन। ये देखें, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे मैं लगा दूंगा, आप जितना छोटा जितना बड़ा आप करना चाहते हैं। ये देखें, अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। ये देखें आपको किस तरह 3D मूवमेंट में आपको ये सॉरी कभी मैं वही देखिए, आप मैं चला के देख रहा हूँ किस तरह 3D 3D डायरेक्शन में किस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इजीली तरीके से आपको ये बनाना बता दिया। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और ऐसी मजीद ऐसी ही अच्छी वीडियोस और कुछ सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।